बंद्रा में बेआधार लोगों के लिए आधार बनवाना है काफी डिफिकल्ट। महिलाएं यहां करती हैं कई दिनों का उपवास। जी हां, सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन यह बंद्रा की हकीकत है। मुजफ्फरपुर जिला के पूर्वी बॉर्डर क्षेत्र में स्थित बंद्रा प्रखंड मुख्यालय में बेआधार लोगों के लिए आधार बनवाना काफी डिफिकल्ट साबित हो रहा है। यहां परेशान लोगों का बताना है कि इतनी मशक्कत और आरजू मिन्नत से शायद भगवान मिल जाएं, लेकिन उन्हें आधार मिल पाना मुश्किल है। लोगों का बताना है कि इलाके के 15 से 20 किलोमीटर दूर से लोग पांव पैदल या किसी तरीके से सुबह के 4 बजे से 6 बजे तक आकर प्रखंड मुख्यालय के आधार केंद्र पर कतारबद्ध हो जाते हैं, लेकिन शाम के 4 बजे तक इंतजार करने के बावजूद भी उन्हें आधार कार्ड बन सकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती, उनका पंजीयन नहीं हो पाता है, तो यह लोग यहां से निराश होकर वापस बैरंग हो जाते हैं। इनमें कई महिलाओं ने छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में लेकर बताया कि बीमार रहने के बावजूद उन बच्चों को लेकर भी वे यहां आ जाते हैं। ताकि आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, घर की महिलाएं भी आती हैं ताकि बच्चे को खिलाया जाए और साथ में उनके पुताओं का और उनके जो बड़े बच्चे हैं उनका आधार कार्ड बनाया जाए। आधार कार्ड बनाने के लिए लोगों का भीड़ इस कदर उमड़ रहा है, ये बंद्रा प्रखंड का नजारा है। बताते हैं कि अगले सुबह से लोग छोटे छोटे बच्चे को लेके आते हैं, आने और जाने के दौरान जो इनका तबीयत भी बिगड़ जाता है। बगल में अस्पताल है, आते हैं आधार कार्ड बनाने के लिए और बच्चे को बीमार करके चले जाते हैं हॉस्पिटल, ये नज़ारा है। सरेआम इन लोगों का आरोप है कि सरेआम बिना पैसा लिए हुए आधार कार्ड बंद्रा में नहीं बनता। ये अलग बात है कि गायघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक निरंजन राय घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं कि बंद्रा से भ्रष्टाचार मिटा दिया जाएगा, गायघाट से भ्रष्टाचार मिट जाएगी, कटरा में नहीं होगा, विधानसभा क्षेत्र भ्रष्टाचार मुक्त होगा। लेकिन आखिर खोलियाम प्रखंड मुख्यालय बंद्रा के प्रांगण में यह जो परिसर में चल रहा है आधार केंद्र क्यों वसूली हो रहा है, इसका जवाब अब तक विधायक के पास नहीं है। बाकी लोगों से भी हम बातचीत कराते हैं। किस पंचायत से? पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आए थे? कई स्वस्थ बच्चों को लेकर भी आते हैं, लेकिन कतारबद्ध होने की वजह से, घंटों लाइन में खड़े रहने की वजह से या तेज धूप छांव की वजह से उन बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके कारण से बीच लाइन में ही उन्हें बच्चों को लेकर आधार कार्ड बनाने के बदले पास के सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए पहुंच जाना पड़ता है। कई लोगों का यह भी बताना था कि वे लोग सुबह बिना खाए पिए या घर में बिना खाना बनाए भी यहां पहुंच जाती हैं और यहां से आधार कार्ड नहीं बनने के बाद जब वापस शाम में 4 बजे के बाद घर जाती हैं तब घर पर जाकर खाना बनाती हैं। तब तक घर के छोटे बड़े लोग खाना खाए बिना रहते हैं। यहां से महिलाओं के घर वापसी के बाद और खाना बनाने के बाद उन्हें खाना नसीब हो पाता है, लिहाजा बंद्रा के महिलाओं को आधार कार्ड बनाने के लिए उपवास भी रखना पड़ता है, वह भी एक दिन का नहीं, कई कई दिनों का। बावजूद आधार कार्ड के ऑपरेटरों की मनमानी या मेहरबानी पर ही उम्मीद टिका होता है, या फिर यह लोग बैरंग लौट जाते हैं, लिहाजा तबीयत भी बिगड़ जाती है, गोद लाई बच्चों की तबीयत भी खराब हो जाती है। बच्चा को कहला है इसका भी बनेगा आधार कार्ड, इसका बनेगा। इस बच्चा को क्यों लाए? साथ में आई, मम्मी के साथ आई। मम्मी के साथ आई है और आपकी पोता हुआ आई है, क्या दिक्कत? कब से दौड़ रहे हैं? किस गांव से? किसका आधार कार्ड चाहिए? आप अपना बनवाने हैं? अब तक बिना आधार के हैं आप? हाँ। तो आधार चाहिए? हाँ। तो पैसा दे के आधार बनाइएगा? हाँ। कितना पैसा? 100 रुपया। क्या बनाना है? कितना दिन से आप जाते हैं? सुबह से शाम तक थे तो भी नहीं बना, आज बन जाएगा? छोटे छोटे बच्चे को लेके क्यों आते हैं? तबीयत नहीं खराब हो जाएगा धूप में? तो खुद का आधार बनाने के लिए बच्चे को बीमार करेंगे?
कैमरा नंबर है आपका? कैमरा नंबर है पहली बार आए हैं? दो दिन आए हम नौ बंदा हम तो नंबर नहीं आता इसलिए आप सीनियर सिटीजन के लोग हैं, आप लोगों को मैसेज नहीं होता है? बंद हो गया हम चल। बाबा को भी लाइन में लगना पड़ता है? लाइन में तो हर जगह लग रही है। कोई उपाय नहीं है? कोई उपाय नहीं हो रहा? कोई उपाय नहीं है, अब तो क्या करेंगे? आज नहीं बनेगा तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे, चल जाएंगे वापस। क्या करेंगे, सुबह से आना, शाम तक रुकना, फिर चले जाना, यही ड्यूटी है। कल भी ऐसा ही हुआ? बराबर होता है ऐसा? बना लिया जाता है, बहाना बना देते हैं, बहानेबाजी का आलम ये है कि इन लोगों को समझ में आता है कि कभी बहाना बना दिया जाता है, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम क्या होता है इनको पता नहीं है। लेकिन बेवसी है, आधार कार्ड बनाना है, जगह जगह सरकार ने इनरोल करने के लिए आधार कार्ड की जरूरत अनिवार्य कर दी है, इसलिए लोग परेशान है। राशन कार्ड का मामला हो या बैंक से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, आधार कार्ड में कई बार ऑपरेटर के द्वारा भी जानबूझ के गलती कर दी जाती है, जिसको सुधारने के लिए लोग परेशान रहते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि सुबह आते हैं और जब यहां से लौट के जाएंगे शाम के 4 बजे, तब जाके घर पर खाना बनाएंगे, तब तक इनके बच्चे और घर परिवार के लोग भूखे रहेंगे। और इस तरह जद्दोजहद है सिर्फ अपने आधार को बनाने के लिए, बेआधार लोग परेशान। क्या दिक्कत हो रहा है? आते हैं लौट के चले जाते हैं, कल काम नहीं हुआ, कल 12 बजे चल गए, आज 7 बजे। अच्छा, दूसरा दिन आए हैं? किस पंचायत से आए हैं? तो ये कैसे बनता है, मतलब आसानी से बन जाता है या कुछ दिक्कत भी होता है? पैसा भी लगता है ज्यादा? पैसा 100 रुपया आज लिया है, कल नहीं देते, ब्याज दे रहे। किस पंचायत से? क्या दिक्कत है? मेरे पास पैसा लेकर नहीं आई, मुझे पता नहीं था पैसा लेकर। हमें लोग पैसा लेकर नहीं आए, हमें लोग पैसा लेकर जाने में 1 घंटा लगता है आने जाने में। कितना पैसा बनता है? 100 रुपया ले रहे हैं सबको, अभी तो हमें अंदर गई नहीं, जाने के बाद फिर 100 रुपया लेकर पैसा लिए नहीं होता नहीं, और नहीं देने पर? नहीं देने पर कागज को रखी हूँ। आप लोग ऐसे ही आते जाते रहते हैं? हाँ। बनता नहीं है? नहीं। तो जिन लोगों का बनता है वो कैसे बनता है? वो तो नहीं पता, ले लेते जो पैसा नहीं देते उसको ले लेते, कागज खरीदते ही रहते हैं। कई बार बुजुर्ग लोग भी लाइन में खड़े खड़े गस खाकर नीचे गिर जाते हैं या बैठ जाते हैं, बावजूद इन लोगों को भी बेआधार होकर ही बैरंग लौटना पड़ता है। इन बातों की जानकारी जब बंदरा के अंचल अधिकारी को हुई, तब उन्होंने पिछले सप्ताह अंचल गार्ड की तैनाती यहां की। अंचल गार्ड को यहां के लोगों को भीड़ को संभालना मुश्किल होता है। भीड़ का तर्क है कि आधार केंद्र पर जो रूटीन लगाए गए हैं वह पंचायत वाइज है, लेकिन उनको फॉलो नहीं कराया जाता। कुछ लोगों का आधार कार्ड शुरू में बनाने के बाद 12 बजने के बाद से मनमानी पैसे वसूली शुरू हो जाती है, जो जितना दाम देगा उसका काम उतना आसान हो जाता है। यह गरीब लोग इसमें सक्षम नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण से उन्हें बैरंग लौटना पड़ता है। कई लोगों का बताना है कि वे 1-2 दिन नहीं महीनों से आ जा रहे हैं, कई सप्ताह से आते जाते हैं, तो कई लोगों का कहना है कि 2-3 दिनों से परेशान है। सबका एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, हर धर्म का एक ही लक्ष्य है, आधार कार्ड बनाना। इस संबंध में आधार सेंटर के ऑपरेटर से हमने बातचीत की और पूछा कि इस मनवाने की वजह क्या है, यह जरूरी है या मजबूरी। जवाब में उन्होंने सारे आरोप को बेबुनियाद करार दिया। भीड़ में काबू हो जा रही है कि आप संभाल नहीं पा रहे हैं या व्यवस्था में गड़बड़ी है? हम लोग को जितना कैपेसिटी होता है उसके हिसाब से हम लोग को हमें नल को मार देते हैं। एक दिन में कितना बन सकता है, क्या कैपेसिटी आपका? कैपेसिटी मैक्सिमम जो है 40 है। 40 का? हाँ। तो भीड़ कितनी होती है? भीड़ यहाँ पे लगभग 100+ में होता है, 170 लगभग में।
तो उस टावर में हम जो है ग्रामीण को 40 बैरिक जो हम लोग बांट देते हैं बम, ठीक है, प्रत्येक दिन उस टावर में कहते हैं कि इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, नहीं हो सकता है, अब बाकी जो आप लोग है आपको रिटर्न हो जाए, लेकिन पब्लिक लोग मानता नहीं, आशा रखे रहते हैं, सबसे बड़ी भीड़ का कारण ये होता। दूसरा बात क्या है यहाँ पे कि अदर पंचायत के जो लोग आते हैं वो भी लाइन में लग जाते हैं, उसके कारण भी भीड़ ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से हम अदर पंचायत को रिटर्न कर देते हैं, जिस पंचायत का होता है उस पंचायत का हम वहाँ पे काम करने की व्यवस्था रखते हैं। लोगों का कहना है कि जो रूटीन आपने लगाया है वो रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं, दूसरा नंबर कि पैसा लेकर के बनाते हैं, पैसा लेने की क्या व्यवस्था है? देखिए पैसा लेने की व्यवस्था है कि बायोमेट्रिक 100 रुपये में लेते हैं और डेमोग्राफी का 100 रुपये लेते हैं, उतना तो लेना नहीं, 25 लेना है। देखिए हम लोगों से 50 रुपया ही डालते हैं, 100 रुपये लेते हैं, उसका रिसीप्ट देते हैं जी, बिल्कुल 100 रुपये लेने का, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा ये तो व्यवस्था बिगड़ने का क्या परेशानी है, मतलब अंचल से आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है अधिकारी लोगों का, या क्या दिक्कत है? जिस समय हम लोग ज्वाइनिंग किए थे उस समय क्या हुआ कि जो साहब जो थे वो एग्जाम ड्यूटी में थे, साहब ही नहीं थे, हमने वहाँ पे लेटर दिया आपने ज्वाइन किया, उस आभार से अभी तक हमारे नानी बाबू से सीख भेज हुए और एक दिन अभी जो साहब से भेज वो लोग आते नहीं है, वो तो फ्री अभी तो साल है मेरे साथ, तो फिर कैसे सुधरेगा व्यवस्था? इसके लिए जो साहब अभी एग्जाम खत्म हो गया है तो भेंट करेंगे, उससे मुलाकात करेंगे, फिर हम बताएंगे। पब्लिक जो आप पर आरोप लगा रही है बेबुनियाद है, पैसा जो जमा बच्चे के दौराने का आरोप है, सीनियर सिटीजन को अपमानित नहीं किया जा रहा है, महिलाओं को छोटे छोटे बच्चे को, ये सब आरोप बेबुनियाद है। इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए नहीं कर सकते, एक एक कैंडिडेट होता है, एक फैमिली होती है, उसके 4-5 बच्चे आते हैं एक साथ में, तो 40 हम लोग फॉर्म बांटेंगे, कितना हम करेंगे? 40 से ज्यादा नहीं बनेगा, लेकिन 40 लोगों का भी नहीं बनता है ना, ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरे पास में, लगभग कल भी बना है 52 का, जितना हमारे पास में कैपेसिटी और टाइम टेबल के हिसाब से इतना, बाकी लोगों को लौटा भी सकते हैं, फॉलो करा सकते हैं, हमारे पास में जितना काम करते हैं, लेकिन ग्रामीण को हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो मेरा कोई अथी नहीं है, हम सुबह में ही आए उस समय आप ग्रामीण से पूछ सकते हैं उनको, अदरवाइज मैंने कहा कि आप लोग रिटर्न हो जाए, इसकी कैपेसिटी नहीं है कितना हो सकता, लेकिन लोग माने तो क्या नाम क्या है। उन्होंने दावा किया है कि एक दिन में 40 आधार कार्ड ही वे बना सकते हैं, इतने लोगों को टोकन देने के बाद बाकी लोगों को लौटने के लिए कह दिया जाता है, लेकिन लोग लौटते नहीं हैं, आपस में ही धक्का मुक्की करते हैं और खड़े रह जाते हैं, कई लोग अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए परेशानी होती है। जब लोगों के आरोपों के मद्देनजर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि पिछले दिनों भी उन्होंने 56 आधार कार्ड बनाया, वहीं जब आधार केंद्र के बाहर एक नोटिस पर हमारे कैमरे की नजर गई तो उस पर लिखा था एक दिन में 30 आधार कार्ड सुधार या संधारण का लिमिट है। अब महज केंद्र के दीवार की फासले के अंतर में तीन तरह की बातें सामने आई। नोटिस के मुताबिक 30 लोगों के आधार कार्ड एक दिन में बनेंगे, ऑपरेटर के मुताबिक 40 लोगों का ही लिमिट है। आरोपों के जवाब में उसी ऑपरेटर का दावा है कि कल परसों भी उन्होंने 50 से ऊपर यानी 56 आधार कार्ड इनरोल किए हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब 40 आधार कार्ड इनरोल करने की लिमिट है तो 30 बनाने की नोटिस क्यों लगा दी गई, तो फिर 40 लिमिट का दावा उन्होंने कैसे कर दी, 30 की एक दिन में उनकी क्षमता है तो 56 का सुधार उन्होंने कैसे कर दिया, यदि ज्यादा करने की क्षमता है तो लोगों से झूठ बोलने की मजबूरी कैसी, जब 40 लोगों को टोकन दे दिए जाते हैं तो बाकी लोगों को भीड़ में शाम तक क्यों टिकी रहनी पड़ती है। अंचल गार्ड को जब यहां पर भीड़ संभालने की जिम्मेवारी और व्यवस्था बनाने की जिम्मेवारी देकर भेजी गई है तो लोगों की भीड़ क्यों बेकाबू होती है, आपस में लोग झड़प क्यों करते हैं, महिलाओं बुजुर्गों बच्चों युवाओं के बीच आपस में धक्का मुक्की झड़प नोकझोंक मारपीट जैसे हालात आखिर क्यों उत्पन्न होते रहते हैं, इसके जवाब में बंदरा प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी अलख निरंजन से बातचीत की। उन्होंने बदतर हालात के बारे में कहा कि इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं। प्रखंड परिसर में आधार केंद्र जहां संचालित हो रहा है वह प्रखंड मुख्यालय का पिछला हिस्सा है जिससे वह नजर से ओझल है,
व्यवस्था नहीं सुधरी तो आधार केंद्र संचालक के खिलाफ वरीय अधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। जी ये देखिए इसमें क्या है, जब हम इंटरनेट पर गए हैं तो बोला है कि कल भी आए पैसा नहीं लिया, इसका यहाँ नहीं लिया था, प्राइवेट बनाने के लिए कहा जहाँ से बना है वहीं बनेगा। और 65 वर्ष का मेरा एज है, मेरा आधार कार्ड, और आते और जाते हैं, कभी आए थे सर, वापिस गए। कितने से आ जा रहे हैं? निकल से आ। कौन गांव से हैं? कितना दूर है यहाँ से? ये बच्चा करीब 3 किलोमीटर इस छोटे बच्चे को लेकर के बाबा आए हैं, पैदल पांव चल के आए हैं सिर्फ आधार कार्ड बनाने के लिए। एक दिन की कहानी नहीं है, पिछले एक सप्ताह से दौड़ रहे हैं, 3 दिनों से लाइन में लग के वापस हो रहे हैं, और कह रहे हैं कि जब पिछली बार बनाया गया था इतनी सतर्कता के साथ बनाया गया था, बावजूद उसमें शाब्दिक त्रुटि आ गई, उसको संधारण कराने के लिए आ रहे हैं। इनकी खता इतनी है कि पिछली बार जब इनरोल कराया था तो इन्होंने पैसा नहीं दिया, अतिरिक्त पैसा नहीं देने की वजह से खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। कल भी हम लोग घर में नहीं बना, फिर आज आए हैं सुबह, अभी नहीं खाए हम लोग, भूखे प्यासे लगे रहते हैं। अभी अब बनता है कि नहीं बनता है सुपर वाला का, तो आप लोग विरोध करते हैं, इसका कोई असर नहीं हो रहा है, कोई लोग नहीं सुन रहे हैं। अंचल के अधिकारी कह रहे हैं कि वहाँ पर गार्ड की भी तैनाती की गई है, लोगों को हमने झगड़ा नहीं हो, आपस में लड़ाई नहीं हो, वो तो है ही सामने में। गार्ड क्या करते हैं? वो तो है अंदर में है। लाइन का कोई सिस्टम है? नहीं सर, कोई सिस्टम नहीं है। तो पर्ची के बाद भी लोग बेवजह जो है से पीछे से आके धक्का मुक्की करने लगी है महिला से। तो आप चूंकि गार्ड हैं, आपको व्यवस्थित करना है ना, सुबह से लोग व्यवस्थित रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। सब तो करते हैं, तो फिर ऐसे कैसे हो जाएगा? 12 बजे के बाद ये लोग मनमानी करते हैं। मनमानी पूछ लीजिए, फॉर्म हम लोग बांट देते हैं। जब व्यवहारिक बात हो गई तो व्यवहारिक तो नहीं हो पाएगा। बच्चे रो रहे, मर रहे, 15 दिन से आते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे को, एक गोद में बच्चे हैं, एक गोद में बच्चे हैं, दो छोटे बच्चे हैं, और सिर्फ सही जानकारी का अभाव है। जो जिस गार्ड को लगाया गया है उनका तर्क है कि लोग नहीं संभल रहे हैं। आखिर लोग उत्तेजित होंगे क्यों? जब व्यवस्था सही होगी तो लोगों को कोई टेंशन नहीं रहता है बनाने का। बड़े बुजुर्ग लोग भी हैं, सभी लोग परेशान हैं। सबकी आक्रोश का वजह सिर्फ ऑपरेटर और यहाँ की विधि व्यवस्था है। अधिकारी भी कभी नहीं आते हैं। कभी अधिकारी को देखें आप लोग? कभी आए कोई अधिकारी आप लोगों से बात करने के? कोई दिक्कत समझने के लिए अधिकारी आए? गार्ड लाइन लगाए हैं जो आप लोग तोड़ दिए? कह रहे हैं कि तोड़ दे रहे हैं। लाइन में लगाया गया आप लोगों को? नजर के सामने आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि तुरंत क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। इधर से तो बोल दिया, इधर से पूछा जाए कि लाइन लगा, लाइन लगाए बताइए। हाँ जी, लाइन लाइन क्यों तोड़े आप? हम लोग नहीं तोड़े। नहीं तो लाइन लगा तो तोड़े क्यों आप लोग? तो ये लाइन है ना, सभी लाइन आप लोग, या तो आप लोग झूठे हैं, नहीं तो ये गार्ड मतलब झूठे हैं। तो लाइन क्यों टूटा? नहीं, अब क्यों टूटा वो तो ये लोग ना देखेंगे टूटा। कोई तो लापरवाही हो रही है ना, लापरवाही तो यहाँ से हो रही है। सबका मन एक नहीं ना है, अकेले नहीं संभाल पा रहे होंगे, और गार्ड की जरूरत होगी, ऐसा भी हो सकता है। अरे ठीक है सर, 12 बजे एक दिन में कितना बन सकता है, क्या कैपेसिटी आपका? कैपेसिटी मैक्सिमम जो है 40 है। 40 का? हाँ। तो भीड़ कितनी होती है? भीड़ यहाँ पे लगभग लगभग 100+ में होता है, 170 लगभग में। तो उस टावर में हम जो है ग्रामीण को 40 जो हम लोग बांट देते हैं बम, ठीक है, प्रत्येक दिन। उस टावर में कहते हैं कि इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं हो सकता है, अब बाकी जो आप लोग है आप रिटर्न हो जाए, लेकिन पब्लिक लोग मानता नहीं, आशा रखे। आधार कार्ड सेंटर के ऑपरेटर रवि का दावा है कि ग्रामीणों के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है बेबुनियाद है, व्यवस्था बिगाड़ने में खुद से अपनी भूमिका निभाते हैं। 40 की क्षमता है और 50 से 60 तक उनका इनरोल करते हैं, त्रुटि का संधारण किया जा रहा है, जो नियम है उसका भी अनुपालन कराया जा रहा है।
अब ये समझने वाली बात है कि ग्रामीणों का दावा सच्चा है या ऑपरेटर का दावा सच्चा है। इस बीच जो गार्ड को यहाँ पर अंचल से लगाया गया है उनको भी भीड़ को संभालने में काफी परेशानी होती है। कुल मिलाकर लघु लुभाव यही है कि विधि व्यवस्था सुधारने के लिए अधिकारी को भी गंभीर पहल करनी पड़ेगी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेटर को भी बढ़ाने की भी जरूरत है और यहाँ पर गार्ड को भी बढ़ाने की जरूरत है। और सिस्टेमेटिक रूप से जब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक बेआधार लोगों का बंद्रा में आधार बनना आसानी से संभव नहीं हो सकेगा। दीपक कुमार तिवारी, ए टू जेड न्यूज लाइव, बंद्रा, मुजफ्फरपुर, बिहार।